बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम अलैकुम। पाकिस्तान टुडे के साथ मैं हूं मंसूर आजम काजी। नाज़रीन, चंद रोज कबल सऊदी क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान का पाकिस्तान का दौरा हुआ। इस दौरे में पाकिस्तान को 20 बिलियन डॉलर के एमओयूज साइन हुए। बहुत अहमियत का हामिल है ये दौरा। ये भी एक्सपेक्टेशन थी कि पाकिस्तान के साथ जो दुनिया देख रही थी कि किस किस्म का रिलेशनशिप मोहम्मद बिन सलमान बनाने जा रहे हैं, पूरा इंटरनेशनल मीडिया पाकिस्तान को देख रहा था और कवरेज हो रही थी। सबसे इंपॉर्टेंट चीज एमओयूज के अलावा जो मोहम्मद बिन सलमान ने कही कि मैं सऊदी अरब में पाकिस्तान का अंबेसडर हूं, और ये जब स्टेटमेंट आई तो इस पे बहुत दुनिया जो शायद पाकिस्तान के दोस्त नुमा दुश्मन है उनको ये स्टेटमेंट काफी डिस्टर्बिंग लगी। इसके अलावा उन्होंने पाकिस्तान से लेकर इमरान खान की लीडरशिप को की काफ़ी तारीफ की, कहा कि ऐसी लीडरशिप का सऊदी अरब इंतज़ार कर रहा था जो कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और बिलखसूस प्राइम मिनिस्टर इमरान खान के लिए एक बहुत बड़ी बात है। सेकेंडली, हम लोग बात करेंगे आज हिंदुस्तान ने मकबूजा कश्मीर के अंदर 10,000 ट्रूप्स और भेजे हैं, और उसके ऊपर आज फॉरेन मिनिस्टर शाह महमूद कुरैशी की एक स्टेटमेंट आई है, इस पर बात करेंगे। एंड लास्टली, क्या हो रहा है आजकल पॉलिटिक्स के अंदर, क्या हो रहा है नेशनल असेंबली के अंदर, क्यों वर्के फाड़े जा रहे हैं, क्यों स्पीकर के डाइस का घेराव किया जा रहा है, स्पीकर सिंध असेंबली को गिरफ्तार किया गया नैब की तरफ से, नैब को लेकर बहुत सारे क्वेश्चंस आ रहे हैं, लोरा हाई कोर्ट की स्टेटमेंट्स आ रही हैं, इन तमाम अहम टॉपिक्स पर बात करेंगे अपने आज के प्रोग्राम में। मुझे आज इस्लामाबाद स्टूडियो में ज्वाइन कर रहे हैं इब्राहिम खान साहब, अब मेंबर नेशनल असेंबली हैं, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को आप रिप्रेजेंट कर रहे हैं। खान साहब, थैंक यू वेरी मच। आपके साथ तशरीफ रखती हैं सहर कामरान साहबा, आप सेनेटर रही हैं, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को रिप्रेजेंट कर रही हैं, थैंक यू वेरी मच जी। लाहौर में मुझे ज्वाइन कर रहे हैं लेफ्टिनेंट जनरल अशरफ सलीम साहब, सप्लायर हैविंग यू जी, आपके साथ तशरीफ रखते हैं मौलाना ताहिर अशरफी साहब, चेयरमैन हैं पाकिस्तान उलमा कौंसिल के, आप सबके आने का जी बहुत शुक्रिया। इब्राहिम खान साहब, आपसे अगर मैं बात का आगाज करूँ, वली अहद क्राउन प्रिंस का ये कहना कि आप मुझे सऊदी अरब में पाकिस्तान का सफीर समझें, ये स्टेटमेंट बहुत अहमियत की हामिल है और पूरी दुनिया में इस स्टेटमेंट पर बात हो रही है। लेट्स स्टार्ट फ्रॉम दिस, कैसे देखते हैं आप इस स्टेटमेंट को जी? जो एक लॉन्ग ड्यू था, एक प्रोसेस, एक रिलेशनशिप जो बिटवीन सऊदीया एंड पाकिस्तान, मेरे ख्याल में ये उसका एक्सप्रेशन था। वो एक वक्त के इंतज़ार में थे कि इस मुल्क में सही ऑनेस्ट और पाकिस्तान और उम्मत मुसलमा से दिलो जान से मोहब्बत करने वाली लीडरशिप इस मुल्क में आए ताकि हम इस मुल्क के पोटेंशियल को एक्सप्लॉयट कर सकें और इसके पोटेंशियल के मुताबिक फिर अपने बिजनेस रिलेशंस भी डेवलप कर सकें। रिलीजियस रिलेशंस तो हमारे पैदा होने से लेकर और आखिरत मरने तक उनके साथ हैं, तो ये इट वाज वेरी इनकरेजिंग। और मैं कहता हूँ ये उनकी पाकिस्तान के लिए मोहब्बत, और इसमें अगर आप उठा के देखें तो इसमें नबी करीम की हदीस मुबारक भी है जिस पे आपने फरमाया था कि मुझे मशरक की तरफ से ठंडी हवाएं आती हैं, तो वो इंशाल्लाह वो मशरक हम ही हैं, और इंशाल्लाह पाकिस्तान विल प्रूव टू बी लीडिंग द होल मुस्लिम उम्मा वन डे। ओके, अच्छा सर जी, आपसे मैं बात थोड़ा सा आगे लेकर चलूं, मशरक की तरफ से ठंडी हवाएं आती हैं, बड़ी बड़ी ही अच्छी बात की इब्राहिम खान साहब ने। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी इस चीज को कैसे देखती है? और ऑब्वियसली 20 बिलियन डॉलर के एमओयूज भी साइन हुए, रिफाइनरी के ऊपर मेजर इन्वेस्टमेंट आ रही है, पाकिस्तान के पास अपॉर्चुनिटी है, और यह भी कहा गया कि ये एक फर्स्ट स्टेज है, इसके बाद फॉलोड बाय और बहुत कुछ आ रहा है, हाउ डू यू सी दिस जी? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मंसूर, सबसे पहले तो मैं आपके प्रोग्राम के तवस्सुत से प्रिंसेस रीमा बिनते बंदर को मुबारकबाद देना चाहूंगी, क्योंकि मेरे लिए बड़े फख्र की बात है। बहुत अरसा मैं सऊदी अरेबिया में रही कि आज वहां पे एक खातून जो है अमेरिका जैसे मुल्क में सऊदी अरेबिया की रिप्रेजेंटेटिव, सऊदी अरेबिया की एम्बेसडर जो है वो अपॉइंट हुई है। ये सऊदी अरब की खवातीन के लिए और मैं समझती हूँ कि हम सब के लिए भी बहुत जो है वो हौसला अफजा और काबिल फ़ख्र बात है। देखिए, पाकिस्तान और सऊदी अरेबिया के जो ताल्लुकात हैं वो बेमिसाल हैं और लाजवाल हैं, उसको किसी एक अहद किसी एक वक्त पे कैद ना करें। इन ताल्लुकात की पैदाइश पाकिस्तान बनने से बहुत पहले की है। मौलाना ताहिर अशरफी साहब बैठे हुए, वो भी मेरी इस बात की जरूर तायद करेंगे, यानी 1940 के अंदर
उस वक्त जो प्रिंस साउद थे जो बाद में किंग साउद बने वो कराची तशरीफ लाए और उनके साथ उनके जो डेलीगेशन में तीन ऐसे अफराद शामिल थे ऐसे प्रिंस शामिल थे जो बाद में किंग बने जिनमें किंग अब्दुल्ला थे जिसके अंदर किंग फैसल थे जिसमें किंग फहद थे तो बात यह है कि इन ताल्लुकात का ये लाजवाब ताल्लुकात हैं फिर 1946 के अंदर जब तहरीक पाकिस्तान का डेलीगेशन यूनाइटेड नेशंस गया तो उस वक्त जो है किंग प्रिंस फैसल जो कि उस डेलीगेशन को सऊदी अरब के डेलीगेशन को लीड कर रहे थे उन्होंने पाकिस्तान के तहरीक पाकिस्तान के नुमाइंदों को वो प्लेटफॉर्म प्रोवाइड किया जिससे वो इंटरेक्ट कर सके और अपना मौके बयान कर सके रिफाइनरी यकीन करें कि मेरे लिए मैं समझती हूं कि बहुत बड़ी पाकिस्तान के लिए कामयाबी है क्योंकि मैं सऊदी अरेबिया में रही और बहुत अरसे से यानी 2006-2007 से मैं एम्बेसी को जब ये ग्वादर की बात सामने आई और मैंने एक रिसर्च पेपर भी किया तो मैं इस तरफ तवज्जो दिलाती रही कि ये पाकिस्तान में जरूर आरामको की कोई ना कोई ब्रांच रिफाइनरी होनी चाहिए है और जब मैंने अपना थिंक टैंक एस्टेब्लिश किया 2012 में तो एक कंप्रीहेंसिव वर्किंग की तो ये पाकिस्तान के लिए मैं समझती हूँ कि बहुत बड़ी कामयाबी है इस सिलसिले में बहुत ब्रीफिंग्स मैंने दी सऊदी सफीरों को भी उनके मिलिट्री अटैचेस को भी पाकिस्तानी साइड को भी उनके थिंक टैंक्स को भी तो मैं ये कहती हूँ कि एक दिन में कोई चीज पैदा नहीं होती ना पाकिस्तान सऊदी अरब के ताल्लुकात अगर हम तारीख उठा के देखें तो 20 बिलियन आपको नजर भी नहीं आएंगे 20 बिलियन आप ये देखें कि पाकिस्तान सर साहब आपका पॉइंट आ गया जी मैं आपके पास कैन यू हेयर मी जी 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 आपका पॉइंट अच्छा जेन साहब थोड़ा सा मैं आई रियली वांट टू टेक दिस थिंग आगे हमारे फॉर्मर चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ और इस वक्त जो कमांडर हैं इस्लामिक मिलिट्री अलायंस जनरल राहील शरीफ क्राउन प्रिंस से पहले आए सर उसके बाद आर्मी चीफ को भी मिले प्राइम मिनिस्टर फॉरन मिनिस्टर सबको मिले डॉट्स को कनेक्ट करें थोड़ा सा आप इस पे देखिए अगर आप मैंने बड़ा ओपन क्वेश्चन किया व्हाटएवर यू वांट टू रिस्पोंड ये जो क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान का जो ओवरऑल विजिट था जी जी इसको अगर आप टोटल पर्सपेक्टिव में देखें तो इसके तीन चार पहलू बहुत नुमाया हैं ओके जिसमें एक तो है जो इकोनॉमिक्स और फाइनेंस का पहलू है जिसमें सऊदी अरेबिया ने पाकिस्तान की हेल्प की है उसके अंदर भी बहुत सारे ऐसे हैं कुछ प्रोजेक्ट ऐसे हैं जो जल्दी मैच्योर होने वाले हैं जिनको आप शॉर्ट टर्म कह सकते हैं कुछ मीडियम टर्म में कुछ ऐसे प्रोजेक्ट्स हैं जो स्ट्रेटेजिक प्रोजेक्ट्स हैं लाइक दिस रिफाइनरी इन ग्वादर एक तो ये एस्पेक्ट है दूसरा एस्पेक्ट है जियोपॉलिटिकल एस्पेक्ट है इसका कि देखिएगा इंडिया ने बहुत कोशिश की कि पाकिस्तान को आइसोलेट किया जाए और पाकिस्तान अल्हम्दुलिल्लाह डिस्पाइट ऑल दैट अफगानिस्तान की जो सिचुएशन जिस तरीके से डेवलप हुई है फिर ये क्राउन प्रिंस का जो आया था विजिट आया इसमें पाकिस्तान इन अ वे has re-entered into the regional and Middle East politics in a big way. ठीक है कि आप देखिएगा कि पाकिस्तान की इंपॉर्टेंस पहले से बढ़ गई है ठीक है तो क्राउन प्रिंस साहब का जो विजिट था ये बहुत अहम था इन सारे और तीसरा एक और एस्पेक्ट है इसमें सी पैक का पहलू आता है पाकिस्तान को चाइना ने जो सी पैक की कुछ टर्म्स थी उसके ऊपर बहुत सारे लोगों ने थोड़ा बहुत एतराज किया कि जो टर्म बड़ी सख्त थी उससे पाकिस्तान को क्या हासिल होता है क्या नहीं हासिल होता है अभी पाकिस्तान की चूंकि मजबूरी थी पाकिस्तान डिडंट हैव मच ऑफ लेवरेज ऑन दैट अभी पाकिस्तान के पास फाइनेंशियल लेवरेज आ गया है बिकॉज ऑफ सऊदी असिस्टेंस यूएई की असिस्टेंस आई फिर कतर से हमें मिला आपने जो जनरल राहील शरीफ वाला जो बात की है जनरल राहील शरीफ का सऊदी अरब में होना पाकिस्तान के लिए एक बहुत बड़ी ब्लेसिंग है जब वो जा रहे थे तो बहुत सारे लोगों ने उस पर बहुत एतराज किया कि ये क्यों जा रहे हैं भाई उनके उनका होना उनके ना होने से तो बहुत बेहतर है ना उनका यहाँ पे आना पहले आके आर्मी चीफ से मिलना प्राइम मिनिस्टर से मिलना सदर साहब से हमारे उनसे मुलाकात करना बाकी चीजें कोऑर्डिनेट करना मेरे ख्याल में दैट वाज वेरी इंपॉर्टेंट के इट वाज अ प्रीकर्सर टू द क्राउन प्रिंसेस विजिट दिस इज व्हाट आई विल कॉल इट अच्छा मौलाना साहब थोड़ी सी बात हुई अभी आगे बात करने की एक ही परसेप्शन दी जा रही थी कि जी सऊदी क्राउन प्रिंस आ रहे हैं तो इसके बाद शायद कतरी नहीं आएंगे और शायद ईरान से हमारे जो ताल्लुकात हैं वो ठीक नहीं होने जा रहे आप इस ये और ये बड़ी एक डिस्कशन चल रही है आजकल भी चल रही है कि जी अब पता नहीं क्या होगा आप कैसे देख रहे हैं इस चीज को बिस्मिल्लाहिर्रहमान नहमदुहू व नुसल्ली व नुसल्लिमु अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद देखिए गुजारिश ये है कि हमारे जो सऊदी अरब के साथ ताल्लुकात हैं ना वो किसी और के ना मोहताज हैं ना किसी और पे उसका असर होता है ठीक है ना किसी और को उसका असर लेना चाहिए ठीक है नंबर एक
ہمارے تعلقات جو ہیں سعودی عرب کے ساتھ وہ ایمان اور عقیدے کے تعلقات ہیں، بے شک ہمارے جو تعلقات ہیں سعودی عرب کے ساتھ وہ سچی دوستی کے تعلقات ہیں۔ سچا دوست کون ہوتا ہے؟ جو مشکل وقت میں آپ کے ساتھ کھڑا ہوتا ہے۔ تاریخ یہ بتاتی ہے کہ جب بھی پاکستان پر مشکل وقت آیا یا سعودی عرب کی طرف کوئی گرم ہوا چلی تو پاکستان سعودی عرب کے لیے دیوار بن کے کھڑا ہوا اور سعودی عرب پاکستان کے لیے دیوار بن کے کھڑا ہوا۔ لہٰذا جو محمد بن سلمان ہیں، یہ انہوں نے مجھے ایک جملہ کہا تھا جو میں چاہتا ہوں پوری قوم سن لے کہ سفیر ہونا بھی ایک، جو انہوں نے جملہ کہا بہت بڑا جملہ ہے، لیکن انہوں نے کہا کہ پاکستان میرے دل میں بستا ہے، یہ مجھے انہوں نے خود کہا تھا۔ اب کسی کو محمد بن سلمان کے یہاں آنے سے اگر تکلیف ہے تو وہ پاکستان کا دوست نہیں ہو سکتا۔ بالکل صحیح ہے، کیونکہ دوست کا دوست دوست ہوتا ہے اور دوست کا دشمن دشمن ہوتا ہے۔ بالکل ایسے ہی پاکستان آیا، پاکستان کے میں محمد بن سلمان کے آنے سے پہلے ہندوستان نے جو ڈرامے بازی شروع کی اس سے اندازہ پوری دنیا کو ہو گیا کہ محمد بن سلمان اور سعودی عرب کے پاکستان سے تعلقات کیا ہیں۔ ممکن ہے کوئی اور سربراہ ہوتا تو ان حالات میں وہ کوئی بہانہ ڈھونڈتا، exactly. لیکن وہ جو وقت ان کا طے تھا پاکستان میں رہنے کا، اس وقت سے زیادہ پاکستان میں رہے۔ ٹھیک، انہوں نے پروٹوکول اور جو باقی چیزیں تھیں، جس طرح عمران خان صاحب نے، ان کے اندر بھی یہ صلاحیت ہے کہ وہ اپنا بنانے کا فن جانتے ہیں، محمد بن سلمان میں بھی یہ صلاحیت ہے کہ وہ منافق نہیں ہے۔ اسی لیے جب محمد بن سلمان ہندوستان میں کھڑا تھا اور ہندوستانی میڈیا اور وہاں کی قیادت یہ توقع رکھتی تھی کہ وہ کوئی ان کے حق میں کلمہ بول دیں گے، تو عادل الجبیر سے لے کر جو ان کے نائب وزیر خارجہ ہیں، محمد بن سلمان تک، سب نے ایک بات کہی کہ آپ کے پاس پاکستان کے خلاف کوئی شواہد نہیں ہے اور آپ مؤثر اور جو باضابطہ اور مؤثر مذاکرات کی طرف جائے۔ ٹھیک، لہٰذا میں یہ بات عرض کرنا چاہتا ہوں کہ اگر کسی کو محمد بن سلمان کے پاکستان آنے سے تکلیف ہے تو ہوتی رہے، کوئی اگر اس بنیاد پہ ہم سے تعلقات ختم کرنا چاہتا ہے کہ ہمارا مکہ اور مدینہ اور ارض حرمین شریفین سے تعلق کیوں ہے، تو وہ یہ جان لے یہ تعلق تو قیامت کی صبح اور قیامت کے بعد بھی ہمارے کام آنا ہے۔ بالکل ٹھیک ہے، اس لیے الحمدللہ میں بڑی واضح یہ بات کہوں کہ پاکستان کی قیادت نے کسی کو خوفزدہ ہونے کی ضرورت نہیں۔ بالکل ٹھیک، ہمارے تعلقات ایمان اور عقیدے کے تعلقات ہیں اور ان تعلقات کو اب تجارت اور معیشت اور نچلی گراس روٹ لیول پر لے کر منتقل کرنے کا جو سلسلہ ہے وہ شروع ہوا ہے، انشاءاللہ اس کو کوئی نہیں روکے گا۔ ابراہیم صاحب، تھوڑا سا اس چیز کو آگے لے کر چلتے ہیں، ایک یہ بھی پرسپشن دی گئی کہ جی سعودی عرب اس ریجن میں انویسٹ کرنے آ رہا ہے، اس لیے پاکستان بھی آیا، اس کے بعد ہندوستان بھی گیا، چائنا بھی گیا، آگے بھی ممالک ہیں جن کے اندر وہ انویسٹ کرنے جا رہا ہے، تو پریسائسلی اٹ از ناٹ فار پاکستان اونلی، لیکن ہاں انیشیٹ پاکستان سے ہوا بیکاز پاکستان کے ساتھ ایک بہت دیرینہ تعلقات ہے سعودی عرب کے۔ اس سچویشن کے اوپر اپوزیشن کی طرف سے بھی کافی چیزیں آئیں، لیکن جو اپوزیشن کا مطلب پاکستان کی اپوزیشن نہیں، جو ہمارے دوسرے ممالک میں ہماری اپوزیشن ہے، ان کا کیا ہے جی؟ صرف پاکستان میں نہیں، یہ تو پورے اس پورے ریجن میں جا رہے ہیں، اس چیز پہ کیا کہیں گے آپ؟ دیکھیں، سعودی عربیہ ایک ساورن ملک ہے اور انہوں نے جہاں جہاں اپنے انٹرسٹ، اکنامک انٹرسٹ دیکھنے ہیں، ان کو پورا اختیار ہے، وہ وہاں پر اپنے ضرورت کے مطابق وہاں پر انویسٹمنٹس کریں گے۔ لیکن جو ہمارا سعودی عرب کے ساتھ جو ایک تعلق ہے نا جی، وہ جیسے روح اور جسم کا تعلق ہے، یہ وہ تعلق کسی اور کا وہ تعلق ہو نہیں سکتا۔ تو اسی تعلق کو سامنے رکھ کے وہ جو آپ سمجھ لیجئے پھر جان ہے تو جہان ہے، تو مقصد ہے کہ روح اور جان جب اکٹھے ہوتے ہیں، جسم اور روح اکٹھے ہوتے ہیں تو جان ہے، ورنہ کچھ نہیں ہے۔ تو یہ ہمارا وہ رشتہ ہے جس کے کوئی کمپیریزن ہم کسی کے ساتھ نہیں کر سکتے، اس کو گیج نہیں کیا جا سکتا کہ اتنے بلین اس جگہ پہ کیے تو اتنے بلین وہاں پہ کیے۔ اس سے پہلے تو سارا کچھ ویسٹ میں ہو رہا تھا انویسٹ، اب انہوں نے اپنی ڈائریکشن چینج کی ہے۔ ڈائریکشن اس لیے بھی چینج کی ہے کہ ان کو کنڈوسیو انوائرمنٹ ملی ہے پاکستان میں، ان کو کانفیڈنس ملا ہے پاکستان تحریک انصاف کے گورنمنٹ میں آنے سے، کہ یہاں پر اب مقصد ہے کہ ان کا سرمایہ بھی محفوظ ہوگا، اور اس کے علاوہ ان کا یہ کرنے کا جذبہ بہت پہلے سے تھا
ये आज से नहीं, मैं देखें पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के मरहूम जुल्फकार अली भुट्टो शहीद को भी इसका क्रेडिट देना चाहूंगा कि उन्होंने भी अपने टाइम में एक बड़ी कंडूसिव एनवायरनमेंट पैदा की थी अमंग द मुस्लिम वर्ल्ड, और अब इमरान खान सामने उभर के आए हैं, ये दूसरे पाकिस्तानी लीडर हैं जिन्होंने अल्हम्दुलिल्लाह उनमें वो अल्लाह ने वो सलाहियतें अता फरमाई हैं उनको कि दुनिया में जहां जहां वो जा रहे हैं उनको पाकिस्तान से के साथ साथ उनकी पर्सनल परसेप्शन जो दुनिया में है उसको भी कोई बीट नहीं कर सकता। तो ये अल्लाह की रहमतें हैं जो इकट्ठी हो रही हैं, और इंशाल्लाह पाकिस्तान इज ओनली गोइंग वन वे एंड दैट इज मूविंग फॉरवर्ड एंड नो लुकिंग बैक इंशाल्लाह। ठीक है, चाहे वो इकोनॉमिकली हो। अच्छा, जी थोड़ा सा इसी मामले में चले, एक और बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क जो दुनिया में इस वक्त पूछा जा रहा है कि जी पाकिस्तान के अंदर सिविल मिलिट्री रिलेशनशिप बहुत स्ट्रांग है और ये एक बहुत बड़ी वजह है कि पाकिस्तान के अंदर फॉरेन इन्वेस्टर्स, पाकिस्तान के जो तल्लुकात हैं, फॉरेन पॉलिसी बहुत स्ट्रांग चल रही है और उसकी एक बहुत बड़ी वजह पाकिस्तान के अंदर ये जो सिविल मिलिट्री रिलेशंस हैं इनका स्ट्रांग होना है। डू यू एग्री ऑन दैट? मैं आई नॉट ओनली आपसे पूछा था सवाल या मेरे से किया था, आई एम सॉरी, होनी भी चाहिए है क्योंकि सिविल और मिलिट्री लीडरशिप को एक पेज पर होना चाहिए है, और हमेशा पॉलिसी उसी वक्त मुस्तहकम होती है जब उसके अंदर कंसेंसस हो। मैं ये कहूंगी कि ज्यादा बेहतर हो कि हम ये कंसेंसस जो है पार्लियामेंट में भी बिल्ड करें, और अभी हमने ये देखा है कि जो फॉरेन पॉलिसी इनिशिएटिव पॉजिटिव आए हैं पाकिस्तान के लिए उसको अपोजिशन पार्टीज ने भी उसी भरपूर तरीके से वेलकम किया है। मैं समझती हूं कि क्या ही अच्छा होता कि अगर इस विजिट के अंदर जो कि बहुत अहम विजिट था थोड़ी सी फराख दिली दिखाई जाती और अपोजिशन लीडरशिप को भी मुद्दू किया जाता। बहरहाल हम पाकिस्तान के लिए सोचते हैं, पाकिस्तान के लिए बात करते हैं, और मैं जरूर जनरल राहिल शरीफ की भी बात करना चाहूंगी कि उनका इस्लामिक काउंटर टेररिज्म मिलिट्री कोलिशन को लीड करना पाकिस्तान की ना सिर्फ अस्करी सलाहियतों पर एतमाद है बल्कि पाकिस्तान की दहशतगर्दी के खिलाफ जो पाकिस्तान ने कामयाबियां हासिल की ये उसका भी एतराफ है। आप ये देखें कि पाकिस्तान वो वाहिद मुल्क है जिसने बे इंतहा मुश्किल जंग अपनी सरहदों में लड़ी और दहशतगर्दी को शिकस्त दी। आज अगर हमारे साबिक चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ जिन्होंने जरबे ऑपरेशन के जरिए दहशतगर्दी को शिकस्त दी अगर वो लीड कर रहे हैं इस्लामिक मिलिट्री काउंटर टेररिज्म कोलिशन को, तो मैं ये समझती हूं कि ये पाकिस्तान के लिए ना सिर्फ फखर की बात है बल्कि ये कहूंगी कि उनकी वहां मौजूदगी भी पाकिस्तान और सऊदी अरब को करीब लाने के अंदर, और ना सिर्फ पाकिस्तान और सऊदी अरब बल्कि बाकी जो 41 ममालिक हैं सबको पाकिस्तान से जोड़ने में और पाकिस्तान से करीब लाने में एक अहम किरदार जो है वो अदा करेगी। और ये देखा जाए तो पाकिस्तान के और सऊदी अरब के जो मिलिट्री ताल्लुकात हैं हमेशा वो ज्यादा मजबूत रहे हैं, और अगर ये कहा जाए कि आज जो पेशरफ्त हुई है खारजा पॉलिसी के अंदर उसके अंदर मिलिट्री लीडरशिप का रोल है तो गलत ना होगा। मैं इसमें थोड़ा मजीद ऐड करना चाहूंगा। बिल्कुल ठीक है। अच्छा जल साहब, एक दो चीजें उस अंदर इमरान खान साहब ने क्राउन प्रिंस को अबाउट द प्रिजनर्स मेंशन किया और उसके बाद अगले दिन उन्होंने 2107 प्रिजनर्स जो थे पाकिस्तान के वो उनको रिहा कर दिया, उसके बाद हज कोटा जो था उसको भी एक्सीड कर दिया। एक बड़ा वार्म जेस्चर आया जब उन्होंने स्पेशली वो जुमला कहा कि पाकिस्तान मुझे अपना सफीर समझे, तो प्राइम मिनिस्टर ने उनके कंधे पे हाथ रखा, एक बड़ा वार्म फीलिंग दी कि आई एम वेरी ग्रेटफुल टू यू। सर ये पूरी सिचुएशन, सिविल मिलिट्री रिलेशनशिप, एक स्ट्रॉन्ग फॉरेन पॉलिसी, व्हाट नेक्स्ट, आगे क्या हो रहा? आगे देखिए जी, पाकिस्तान को ये जितने भी मसले MOUs बहुत सारे साइन हुए हैं, एग्रीमेंट्स भी हुए हैं, इसके लिए बहुत सारा काम करने की जरूरत है हमें अभी। फर्दर जी, फर्दर MOUs तो साइन हो गया, फर्दर MOU जब साइन होता है उसके आगे बहुत सारे स्टेप्स होते हैं जो आपने लेके चलने होते हैं। मसलन मैं एक एग्जांपल दे, ये जिस तरीके से ये रिफाइनरी होनी है, रिफाइनरी का तो अभी आपने फिजिबिलिटी और पता नहीं किस किस फेज से गुजरना है, बिल्कुल, तब जाके इसने आगे मैच्योर होना है। हमने अपने अंदर वो कैपेसिटी पैदा करनी है कि इस कैपेसिटी को हम एनहांस करें, इस सारे स्टेप्स को जल्दी जल्दी लेके चले। हमारा मसला पाकिस्तान का ये कि हमने इन सारे ये जो प्रोजेक्ट मसलन रिफाइनरी वाला प्रोजेक्ट है इससे रिटर्न्स काफी अरसे के बाद आपको आना शुरू होंगे। बिल्कुल, आपका प्रॉब्लम इमीडिएट है, इमीडिएट है आपका मसला, तो ये है ना कि इमीडिएटली आपके पास पैसे आए, आपकी ये रिफाइनरीज आपको डिविडेंड देना शुरू करें, ठीक है, आपने कोई एक्सपोर्टेबल सरप्लसेस बनते हैं वो आप एक्सपोर्ट करें आपको, ताकि फॉरेन एक्सचेंज आए,
आपका मसला तो इस वक्त ये है, ठीक है, तो इसलिए जितने वो जो क्या कहते हैं लो हैंगिंग प्रोजेक्ट जितने भी थे, जो लो हैंगिंग फ्रूट्स थे, उनको जल्दी से जल्दी कैपिटलाइज करने की हमें जरूरत है, ठीक है। फिर एक चीज मैं और कहूंगा, इससे आगे क्या, अभी आप देखिएगा कि मुल्कों के आपस में रिलेशनशिप्स होते हैं और वो आपस में बाहमी मुफादात की बुनियाद के ऊपर होते हैं। वेरी राइट। सऊदी अरब ने अगर इंडिया में भी गए, क्राउन प्रिंस इंडिया में भी गए, इंडिया एक बहुत बड़ा बायर है सऊदी ऑयल का, बिल्कुल ऐसे ही है, और सऊदीया ने वहां पे एक बहुत बड़ी रिफाइनरी लगाई है, तो सऊदीया ने वो अपने मुफादात भी देखने हैं, क्योंकि अभी वेस्ट से अमरीका को भी ऑयल की जरूरत नहीं है, बिल्कुल ठीक, अमरीका का अपना ऑयल बहुत ज्यादा है उनके पास, बिल्कुल सही, खुद प्रोड्यूस करते हैं वो, बिल्कुल ऐसे, तो सऊदीया ने अपना ऑयल बेचना है, सही, वो खास इंडिया को बेचे, चाइना को बेचे, ये सारे ममालिक हैं जिनके पास उनका जाएगा। एक चीज सिर्फ थोड़ा सा जो एक चीज खटकती है हमें, वो ये थी कि इससे ईरान के साथ जो हमारा रिलेशनशिप है, खास तौर पर ये जो सिंक्रोनाइज हुआ ईरान के अंदर जो अटैक हुआ उनके जो पासदारान थे उनके ऊपर, और इंडिया में ये जो पुलवामा, ये थोड़े से सिंक्रोनाइज होते नजर आते हैं हमें, ठीक है, इसके पीछे क्या था ये तो अल्लाह जानता है, लेकिन बात ये है कि हमें जो ईरान के जो जो तहफ़ुज़ात हैं उनको दूर करने की जरूरत है, और मैं ये सजेस्ट करूंगा कि इस वक्त टाइम है कि फॉरेन मिनिस्टर साहब और इवन प्राइम मिनिस्टर साहब भी ईरान का एक दौरा करें, बिल्कुल ठीक है, हमारा ईरान हमारा नेबर है, जी आगे समय, बिल्कुल ठीक है। अच्छा मौलाना साहब, मैं थोड़ी सी बात में अपने पाकिस्तान टेलीविजन की बात, हम लोगों ने कवरेज की मोहम्मद बिन सलमान के इस विजिट की और पूरी दुनिया ने उसको बड़ा एक्नॉलेज किया, और आप तो बल्कि लाइव ट्रांसमिशन में भी थे, हाउ वाज योर एक्सपीरियंस, कैसा फीडबैक देखा आपने, क्योंकि ऑब्वियसली जितनी इस वक्त चीजें हैं पाकिस्तान टेलीविजन के पास उसके होते हुए जिस तरह की कवरेज थी और सारा कुछ जिस तरह एमिकेबली कवर किया गया, हाउ वाज इट? पहले तो मैं एक दो जुमले जी मैं गुजारिश करूंगा कि ये बिलाशुबा जनरल बाजवा और जनरल रहील शरीफ, जब से जनरल बाजवा आए थे हमारी अरब ममालिक के साथ, इस्लामी अरब ममालिक के साथ कुछ चीजों में पिछली हुकूमत के दौर में सर्दमारी आई थी, जनरल बाजवा ने उस पर बड़ी मेहनत की, और अल्हम्दुलिल्लाह ये जो दौरा हुआ है इसके पीछे अगर आप देखें तो एक बहुत बड़ा जद्दोजहद और मेहनत का नतीजा है। आज इस्लामी दुनिया और हिंदुस्तान के मसले पे आप देखें कि अगर आज पूरी इस्लामी दुनिया आपके साथ खड़ी है और हिंदुस्तान के मौकफ को पजीरा ही नहीं मिली, तो इसमें बहरहाल जनरल बाजवा का और सऊदी अरब में जनरल रहील शरीफ का एक बड़ा किरदार है। ठीक हो गया। जो बात अभी कही है जनरल साहब ने उस पर भी मैं अर्ज करूं कि ईरान हमारा पड़ोसी है और एक पड़ोसी होने के नाते जो उसका हक है वो हमें उसको देना चाहिए, जो हमारा हक है वो उसे हमें देना चाहिए, ठीक है। सऊदी अरब हमारा दोस्त है, हमारा ईमान और अकीदे का रिश्ता है, जो हमारा उसके साथ ताल्लुक है वो इसके साथ नहीं है, जो इसके साथ ताल्लुक है वो उसके साथ नहीं है, और हम एक आजाद खुद मुख्तार मुल्क है, हमारे ऊपर कोई ये पाबंदी नहीं लगा सकता कि अगर आपने ईरान से हाथ मिलाना है तो आप सऊदी अरब से ना हाथ मिलाएं, सऊदी अरब से मिलाना है तो ईरान से ना मिलाएं। जो बात आपने कही, मैं सऊदी डेलीगेशन की बात कर रहा हूं, मैं सऊदी सहाफियों की बात कर रहा हूं, मैं सऊदी वफद के जिम्मेदारों की बात कर रहा हूं कि उन्होंने इस पर तहसीन की है, पाकिस्तान टीवी की जो मुसलसल नशरियात रही इस पर उनके जो काबले तहसीन अल्फाज हैं वो मेरे पास कई दोस्तों के, अरब दोस्तों के, सऊदी अरब से भी जो यहां आए हुए थे, ठीक है, उनके डेलीगेशन में आए हुए थे, डेलीगेशन में आए हुए जो बड़े जिम्मेदार लोग थे उन्होंने बहरहाल पाकिस्तान टीवी ने एक अच्छा काम किया, उस पर उसकी तासीन हुई और वो सारी टीम जो है जो मेहनत कर रही थी मैं समझता हूं पीटीवी की ऊपर से लेकर नीचे तक जो रात 3 बजे तक बैठे, जो सुबह 7 बजे आके फिर बैठे, उनको अगर हम शाबाश ना दें तो ये शाबाश मैं समझता हूं कि अरब दुनिया से भी आई, सऊदी अरब से भी आई, उस वफद से भी आई, अरब मीडिया से भी आई और हमारी तरफ से भी आई। अच्छा इब्राहिम खान साहब, थोड़ा सा आगे चलते हैं, हिंदुस्तान गए, वो एक उनका है ना जी कि दिल के अरमा आंसुओं में बह गए, हम वफा करके भी तन्हा रह गए, बड़ी कोशिश की हिंदुस्तान ने, हिंदुस्तान के वजीर आजम ने, हिंदुस्तान के मीडिया ने कि मोहम्मद बिन सलमान से पाकिस्तान के खिलाफ कुछ बोल सके, कोई एक लफ्ज बोल सके, कुछ नहीं बोला गया,
फिर शर्मिंदा हो गए होंगे मेरे ख्याल में, मेरे ख्याल नहीं, आई एम श्योर, क्योंकि उनकी शक्ल से ही पता चल रहा था और जितना हॉस्टाइल उनका मीडिया बना हुआ था, वो बार बार बता रहे थे कि कुछ नहीं बोला, वो एक लफ्ज नहीं बोला पाकिस्तान के खिलाफ। इस चीज को आप कैसे देख रहे हैं? देखें, इट वॉज टोटली बेस्ड ऑन टेक्निकलिटीज। आप जनीवा कन्वेंशन को उठा के देखें तो जनीवा कन्वेंशन में बड़ा क्लियर कट है, इसका जो डेफिनेशन है ना जी ऑफ टेररिज्म, वो है कि आप इनोसेंट शहरियों के खिलाफ करें, किसी माल प्लाजा में कर दें, किसी हॉस्पिटल पे अटैक कर दें। ये इंटरनेशनली एस्टेब्लिश्ड डिस्प्यूटेड टेरिटरी है जी, जहां पे वो रोजाना की बुनियाद पर हिंदुस्तानी अफवाज जो है पाकिस्तानियों को मार रही, कश्मीरी मुसलमानों को मार रही है जी। तो उन्होंने जब उनके खिलाफ, वो फ्रीडम फाइटर है वहां पे, वो अपनी आजादी की जंग लड़ रहे हैं, उन्होंने जब हिट किया इंडियन आर्म फोर्सेस को, तो इट्स एन एक्ट ऑफ वॉर। इसमें वो कोई टेररिज्म का इशू उठता ही नहीं है, टेररिज्म है ही नहीं। तो दूसरी बात आती है कि जी पाकिस्तान पे इल्जाम के पाकिस्तान से, तो वो वहीं का रहायशी था, सारा बारूद जो आया अब 300 कुछ किलोग्राम का, वो उनका अपना पैदा किया हुआ था। मकसद है उनके अपने इंस्टीट्यूशंस में इतनी लूप होल्स हैं कि वो वहां से उन्होंने उनसे आखिर किसी ना किसी तरीके से हासिल कर लिया होगा ना जी, तो उन्होंने करके उन्हीं पर इस्तेमाल किया और उन्हीं की डांग उन्हीं का सर उनको दिया। और मैं आपको एक अर्ज करता चलूं कि 1971 का ये हमें बड़ा ताना देते हैं कि जी हमने इनको शिकस्त दी। मैं आज भी आपको कहता हूं कि हमारे अपनों ने हमें शिकस्त दी थी, इन्होंने शिकस्त नहीं दी थी हमें। अगर हमारा बंगालीज के साथ हमारा जो उस वक्त मामलात खराब ना होते तो इंडिया हमें कभी शिकस्त नहीं दे सकता था। आज कश्मीर में इन्होंने सेम कदम उठाया, इन्होंने नहीं कुछ सीखा, और इंशाल्लाह ताला आप देखेंगे कश्मीर जल्द आजाद होगा। उनका अपना मीडिया, उनके अपने दानिश्वर जो हैं वो इसको एक्सेप्ट कर रहे हैं कि कश्मीर आजाद होगा। मैं और वो कहते हैं कि हम कश्मीर को लूज कर चुके हैं। मैं आपको ये क्लियर कट बताना चाहता हूं और साथ में थोड़ा सा कमेंट करना चाहूंगा कि पाकिस्तान आर्मी और पॉलिटिकल रिलेशनशिप इतने अच्छे क्यों हैं? यकीन मानिए, पहली दफा पाकिस्तान की तारीख में पहली दफा जब इमरान खान साहब जीएसक्यू गए तो 8 घंटे से ज्यादा वहां पर उनको ब्रीफिंग दी गई और तमाम जनरल्स जो थे कैप्स में खड़े हुए थे और उन्होंने सैल्यूट किया। किस बात पे किया? सिर्फ एक बात किया कि इधर हम इस मुल्क और इस कौम की खातिर सरहदों पे खड़े होके छातियों पे गोलियां खाते हैं और हमारे अपने ही घर के, हमारे अपने रहने वाले, हमारे अपने लोगों को लूट लूट के खा जाते हैं। ये डिफरेंस था जो उनको नजर आया कि नहीं, ये वो आगे है अब जो इस मुल्क और इस कौम के बारे में सोचेगा, अपने जाति मफादात, अपने खानदान, अपने परिवार के उसको नहीं सोचेगा, बेहतरी को अपने मुल्क और अपनी कौम की उसको सोचेगा। बिल्कुल, इसलिए पाकिस्तान आर्मी के इस चीज को इंडियन हिंदुस्तान की तरफ से जो ऐलानिया आया उसके अंदर पाकिस्तान का नाम मेंशन नहीं था और उसके बाद हिंदुस्तान का मीडिया नरेंद्र मोदी को बुली करने लग गया कि आपकी ये जितनी भी आपने जो कुछ किया, आप एयरपोर्ट गए, आपने रिसीव किया इमरान खान को, वो आते हुए बड़े गले मिले, खुद क्राउन प्रिंस, लेकिन आप बड़ी कोशिश करके क्राउन प्रिंस को गले मिले, इस पर बड़ा बुली भी किया नरेंद्र मोदी साहब को, लेकिन हमने ये देखा कि पाकिस्तान का नाम फिर भी मेंशन नहीं किया गया। इस पे क्या कहेंगे? क्योंकि एग्जैक्टली पाकिस्तान का नाम उसमें आता ही नहीं था ना जी। मैंने इसलिए आपको पहले उसकी टेक्निकल रीजंस दिए हैं, जनेवा कन्वेंशंस की इसलिए मेंशंस किए हैं कि हमारा कोई उसमें ना बनता था मामला, ना हमने कोई उसमें किया था, ना हमारे पे वो कुछ सबूत दे सके हैं। और दूसरा वो पहले कि दोस्त का दोस्त दोस्त होता है और दोस्त का दुश्मन दुश्मन होता है, और वो भी मेरे ख्याल में फैक्टर एक था, लेकिन एक्चुअल पोजीशन यही थी कि ऑन ग्राउंड जो रियलिटी जी थी उसमें पाकिस्तान का इस अटैक में कोई ताल्लुक नहीं है। कश्मीरी खुद उठ खड़े हुए हैं इनके जुल्म, इनके जबर और इनकी नाइंसाफी के खिलाफ, लोगों को पैलेट गन से मारा जा रहा है। इब्राहिम भाई, आपको मेरी आवाज आ रही है जी? जी आ रही है जी।
मैं आई वॉज आस्किंग सेहर कामरान जी, आई वॉज आस्किंग सेहर कामरान जी प्लीज. ओके, देखिए पहली बात यह है कि पाकिस्तान और सऊदी अरब के जो ताल्लुकात हैं, एक होते हैं ना कि आपका नेचुरल अलायंस होता है, आपके के एक हकीकी ताल्लुकात होते हैं. और फिर जब क्राउन प्रिंस पाकिस्तान से होकर गए तो उनके सामने पाकिस्तान के तमाम मामलात, पाकिस्तान की फॉरेन पॉलिसी की डायरेक्शन और पाकिस्तान के अमन के लिए कोशिशें और पाकिस्तान की दहशतगर्दी के खिलाफ कुर्बानियां सब उनके सामने थी. यकीनन हमें मालूम है और बेखर में सब आलमी दुनिया में भी समझते हैं और इंडिया मीडिया भी ये समझता है कि हिंदुस्तान में जब भी इलेक्शन का वक्त करीब आता है तो पाकिस्तान फैक्टर इज ऑलवेज देयर. उसको अब हर शख्स बाय नहीं कर सकता. आज हालात मुख्तलिफ हैं, आज जो है वो मीडिया आजाद है, आप सोशल मीडिया जो है वो कनेक्टेड है, तो आप किस तरीके से इंफॉर्मेशन को दबा सकते हैं. मैं समझती हूं कि आज वक्त यह आ गया है कि कश्मीर के मसले को हल होना चाहिए. अभी ओआईसी के 50 साल होने को आए और मीटिंग हो रही है यूएई में, जहां पे मुझे थोड़ा सा हैरत भी है कि इंडिया को एज अ ऑब्जर्वर गेस्ट ऑफ ऑनर बुलाया गया है. तो अगर इंडिया को बुलाया गया है तो मैं समझती हूं कि फिर कश्मीर के मसले को रिजॉल्व करने के लिए एक फाइनल जो है रेजोल्यूशन पास होनी चाहिए है. उस पर एक आपको अमली तौर पे कुछ इकदाम नजर आने चाहिए और मुस्लिम दुनिया को एक आवाज होना चाहिए है. मैं आपके पास दोबारा आता हूँ सर जी, एक सेकंड मैं आपके पास दोबारा आता हूँ. व्यूअर्स, हमें इस वक्त टेलीफोन लाइन पे ज्वाइन किया है अरशद खान साहब ने, आप मैनेजिंग डायरेक्टर हैं पाकिस्तान टेलीविजन के. खान साहब थैंक यू वेरी मच जी फॉर ज्वाइनिंग पाकिस्तान टुडे. बहुत शुक्रिया जी. सर सबसे पहले कांग्रेस जी, बहुत अच्छी आला कवरेज की गई पाकिस्तान टेलीविजन की तरफ से इस पूरे क्राउन प्रिंस के विजिट को. हाउ डू यू सी दिस? आपके पास भी ऑब्वियसली फीडबैक आया होगा, आप कैसे देखते हैं जी इस कवरेज को? नहीं, अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छी कवरेज की गई है. मैं समझता हूँ डिस्पाइट द फैक्ट कि हमारे पास रिसोर्सेज बहुत लिमिटेड थे, तो मैं समझता हूँ कि तमाम लोगों ने जो पाकिस्तान टेलीविजन के वर्कर्स हैं उन्होंने बहुत मेहनत की और बहुत से पॉइंट से लाइव कवरेज दिया, ना सिर्फ पाकिस्तान टेलीविजन को बल्कि तमाम प्राइवेट चैनल्स को भी ये सर्विस मुहैया की. तो मैं सब उन लोगों को जो इसमें इन्वॉल्व थे उनको मुबारकबाद पेश करता हूँ. अच्छा, दूसरा सर, एक टाइम जो टर्न अराउंड टाइम था वो काफी लेंथी था, रात 3 बजे तक का टाइम एंड ऑल दैट, बट हमने देखा कि हमारे पीटीवी के जो कैमरामैन थे एंड ऑल दैट एंड टू एंड पीपल दे वर ऑन द टोज, लाइव ट्रांसमिशन भी चल रही थी और उसका फीडबैक जिस तरह का हमें आया, जिस तरह का बाहर से इवन सऊदी अरब से आया, दैट वॉज इमेकेबल जी. ना सिर्फ टर्न अराउंड टाइम की बात है बल्कि यहाँ पे मौसम भी काफी वो था, बारिश भी थी, तो मैंने खुद भी विटनेस किया मुख्तलिफ जगहों पे जाके, लोगों ने बहुत मेहनत की और ऐसा भी मौका आया कि रात को बारिश हुई और कुप्पन सारा लगाया हुआ उतारना पड़ा और सुबह से उसको दोबारा रीइंस्टॉल किया उन्होंने. तो मैं समझता हूँ कि बहुत अच्छा काम किया लोगों ने, तमाम लोग जो इन्वॉल्व थे वो मुबारकबाद के मुस्तहिक हैं. आपको भी बहुत मुबारक है जी, आपने भी बड़ी मेहनत की. बहुत शुक्रिया अशरफी साहब, बहुत शुक्रिया. मेरे लिए ये बात, जब मैं अरब चैनल देख रहा था तो अल अखबारिया से लेकर हर जगह पर पीटीवी से सारा कुछ लिया जा रहा था, ये बहरहाल बहुत बड़ी बात. अच्छा खान साहब, आपके होने का जी मैं फायदा बिल्कुल उठाऊंगा. एक छोटी सी चीज जो लाइसेंस फी के नाम पर आजकल बड़ा जी क्वेश्चन चल रहा है, अगर आप थोड़ा सा हमारे प्रोग्राम के तवस्त से इस पर थोड़ी सी ब्रीफ कर दें जी, तो आई विल बी वेरी ग्रेटफुल. देखिए, लाइसेंस फी के बारे में बारह क्वेश्चन उठाया जाता है, लेकिन मैं समझता हूं कि कुछ इन्फॉर्मेशन की शायद कमी है जी. ये टीवी लाइसेंस फी जो है ये 1970 से लगी हुई है और ये वायरलेस टेलीग्राफी एक्ट जो है 1933 का, ये उसके मुताबिक चार्ज की जाती है. इसका बुनियादी जो पर्पज है वो है टीवी सेट जिसके पास है उस पे ये फी चार्ज की जाती है. Okay. लोग अक्सर समझते हैं कि ये शायद पीटीवी देखने की फीस है, ये एक्चुअली किसी पर्टिकुलर चैनल को देखने की फीस नहीं है, ये सिर्फ टेलीविजन सेट रखने के ऊपर एक टैक्स है गवर्नमेंट का जो 1970 से लगा हुआ है. ठीक है जी. तो लेकिन ये भी मैं साथ बताना चाहता हूं कि ये डेवलप्ड कंट्रीज में, इवन अगर आप यूरोप में जाएं तो यूके में, जर्मनी में, फ्रांस में, स्कैंडिनेवियन कंट्रीज में, तो बहुत से ममालिक में ये आज भी एप्लीकेबल है. Okay. और आप ये सुन के हैरान होंगे कि यहाँ तो सिर्फ 35 रुपए महीना है, वहां ये जो फी है वो 2-2.5 हजार रुपए पर मंथ है. Okay. तो हमारे यहाँ ये फीस उस लिहाज से बहुत ही कम है और इसमें कोई रिविजन भी नहीं हुई है 2010 से.
आठ साल से कोई रिविजन भी नहीं हुई है। सही। अच्छा खान साहब, थैंक यू वेरी मच जी, आई एम वेरी ग्रेटफुल आपने हमें टाइम दिया जी, वेरी ग्रेटफुल, बहुत शुक्रिया मुझे इनवाइट करने का, बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। अच्छा जल साहब, थोड़ा सा आगे चलते हैं, आज फॉरेन मिनिस्टर की प्रेस कॉन्फ्रेंस भी हुई, वो भी हमने देखी। हिंदुस्तान ने आज मकबूजा कश्मीर के अंदर 10,000 ट्रूप्स और एडअप किए हैं। सो हिंदुस्तान क्या वाकई समझता है कि इससे वो जो एक इंडिजिनस मूवमेंट है कश्मीरियों की, हक जो आजादी की जंग वो लड़ रहे हैं, ऐसे 10,000 या 20,000, पहले 7-7.5 लाख फौज है, अगर वो नहीं रोक सकी तो 10,000 और फौजी क्या कर लेंगे जी? बिल्कुल आपकी बात दुरुस्त है। हाँ। कि 7-7.5 लाख पहले हैं, एग्जैक्ट, तो 10,000 और आ जाएंगे। इसमें 3-4 मकासद हैं। इंडिया वो फियर ये कर रहे हैं, उनका डर ये है कि जिस तरीके से वहां पर आजादी की मूवमेंट शुरू हुई है, ये जोर पकड़ती जा रही है दिन ब दिन। ओके। वो समझते हैं कि उनको ज्यादा ट्रुप्स चाहिए उनको कंट्रोल करने के लिए। फिर दूसरा, वो ऑपरेशन करना चाहते हैं, वो जुल्म के साथ कश्मीरियों को दबाना चाहते हैं, ठीक है। और तीसरी पॉसिबिलिटी ये भी हो सकती है कि कहीं पे शरारत भी करते हैं LOC के ऊपर, ओके, एडिशनल ट्रुप्स को ला के। तो तीनों पॉसिबिलिटीज हमें देखनी पड़ेंगी, ठीक है, और रूल आउट नहीं किया जा सकता कोई भी पॉसिबिलिटी इनमें से। इंडिया जितने भी ट्रुप्स ले जाए, जिस तरीके से कश्मीर में आजादी की मूवमेंट चल रही है, उसको दबा नहीं सकता है। बिल्कुल सही। खास तौर पे बुरहान वानी शहीद की जो शहादत के बाद से जो मूवमेंट चली है, ठीक, ये बहुत इंडिजिनस है, वहां की अंदर से उठी है, बिल्कुल ऐसी, कश्मीरियों के असली जज्बात की अक्कासी करती है ये वाली स्ट्रगल, और ऐसी स्ट्रगल को दबाना बहुत मुश्किल होता है, ठीक। इसका मतलब ये है कि कश्मीरी अब अपने मकसद के हसूल में कामयाबी के करीब है। बिल्कुल ठीक। तो ये याद रखिए, इंडिया और करता लाए, 10,000 और ले आए, 50,000 और ले आए, भाई जो मर्जी कर ले, ये मूवमेंट नहीं रोक सकती अभी। बिल्कुल सही। अच्छा मौलाना साहब, बीजेपी की हुकूमत जो वो कर रही है और लेफ्टिस्ट एक माइंडसेट है, उसके बाद हमने देखा इस हरकत की वजह से पूरा रीजन डिस्टर्ब हो रहा है उनके इस एडवेंचरिज्म को करने की वजह से जो वो सोच रहे हैं, और ऑब्वियसली अगर वो किसी किस्म का एडवेंचरिज्म करेंगे, जिस तरह प्राइम मिनिस्टर ने कहा, जिस तरह DGISPR ने कहा, वी विल रिस्पॉन्ड बैक फॉर श्योर, इसमें कोई शक नहीं होना चाहिए। समझना चाहिए हिंदुस्तान को, लगता नहीं समझेंगे, बट स्टिल आपका क्या ख्याल है? देखिए, उन्हें सऊदी अरब ने भी समझाने की कोशिश की है, उन्हें सऊदी अरब ने तो बहुत समझा दी है। अभी बात आप कर रहे थे ना, जब आदिल अल जुबेर से सवाल किया कि जी आप मजम्मत करते हैं, उसने कहा किस बात की मजम्मत करूं, तुम सबूत तो लाओ कि पाकिस्तान ने यह किया है, मुझसे किस बात की मजम्मत करवाना चाहते हो? पाकिस्तान की तो हम मजम्मत नहीं करेंगे जब तक तुम सबूत ही ना दे सको, नंबर है। दूसरी बात यह है कि एक फर्क है हिंदुस्तान के फौजी में और पाकिस्तान के फौजी में। हिंदुस्तान का फौजी तनख्वाह के लिए, कभी पाकिस्तान के फौजी की कोई वीडियो देखी है कि मुझे दाल मिली है? वो गरीब तो रो रहा है कि मुझे तनख्वाह नहीं मिल रही, ठीक। और पाकिस्तान का फौजी जो सियाचिन पे खड़ा है, जो अफगानिस्तान के बॉर्डर पे खड़ा है, जो पहाड़ों के ऊपर खड़ा है, वो रात को तहज्जुद में उठ के कहता है या अल्लाह शहादत कब मेरा मुकद्दर बनेगी। तो हिंदुस्तान को यह बात समझ आनी चाहिए कि हम इस बात पे यकीन रखते हैं कि फना फिल्ला की तह में बका का राज मुजमिर है, जिसे मरना नहीं आता उसे जीना नहीं आता। मेरा फौजी जो है वो इस पे यकीन रखता है कि वो जाते हुए अपनी माँ को ये नहीं कहता कि माँ दुआ करना मैं वापस आऊं, अपनी बीवी को यह नहीं कहता कि दुआ करना मैं तुझे दोबारा मिलूं, अपनी बीवी को वसीयत करता है कि मेरी जो औलाद है इसे फौजी बनाना, और माँ से कहता है कि माँ दुआ करना कि शहादत मेरा मुकद्दर बने। लिहाजा ये हिंदुस्तान को, और जहां तक कश्मीर की बात है तो ये हिंदुस्तान से आलमी दुनिया पूछे ना जरा कि वो कश्मीरी जो जन्नत नजीर में रहता है, वो नौजवान जिसके खेलने की उम्र है, वो खुद के शमलावर बन क्यों रहा है? जब उसके सामने उसकी बहनों की इज्जत लूटोगे, जब उसकी माँ की तजलील करोगे, जब उस वादी जन्नत नजीर के अंदर हर तरफ कब्रें नजर आएंगी, तो कश्मीरी नौजवान तुम्हारे गले में फूलों के हार डालेगा। तुम 10,000 नहीं, तुम 10 लाख फौज भी उधर उतार दो, कश्मीरियों की ये जो तहरीक है इसको तुम नहीं दबा सकते। अगर मिसाल लेनी है तो अफगानिस्तान की ले लो, 37 मुल्क वहां उतरे। आज क्या हो रहा है? आज मुजाकरात की टेबल पर अमेरिका बैठ रहा है, वो मुल्ला ब्रदर जिसके सर के ऊपर अरबों खरबों आपने लगाए थे, आज आप उसके सामने बैठ रहे हैं। वो अब्दुल सलाम जईफ जिसको यहां से मारते हुए लेके गए थे, आज उसके साथ तुम्हें बैठना पड़ रहा है। यही काम हिंदुस्तान को करना पड़ेगा। और मैं एक जुमला कह दूं, हमें बड़ा दुख होगा
और दुख है हमारी वजारत खारजा को, पूरी कौम को इस पर एहतजाज करना चाहिए कि ओआईसी के अंदर हिंदुस्तान जो बर्बरियत कर रहा है, कल कल क्या अरब ये बर्दाश्त करेंगे कि ओआईसी में इसराइल आकर बैठे? बिल्कुल ठीक है। कल क्या मुसलमान ये बर्दाश्त करेंगे कि फलस्तीनियों को जिबा करने वाला इसराइल ओआईसी में बैठे? इसी तरह उम्मत मुस्लिमा ये कभी बर्दाश्त नहीं करेगी कि ओआईसी के वज़राए खारजा के इजलास में हिंदुस्तान बैठे। ठीक हो गया। अच्छा इब्राहिम साहब, थोड़ा सा इस चीज को आगे, हिंदुस्तान ऑब्वियसली जो बीजेपी पॉलिटिक्स चल रही है, इलेक्शंस आ रहे हैं, आज शाह महमूद कुरैशी साहब ने भी ये बड़ा कैटेगोरिकली कहा कि दे नीड टू स्टॉप दिस, और ये जो एक वॉर हिस्टेरिया बना रहे हैं हिंदुस्तान, और उसके बाद आज हमने देखा महबूबा मुफ्ती का भी इंटरव्यू आया जो फॉर्मर चीफ मिनिस्टर रही है वहां की, इस पूरी सिचुएशन के अंदर पाकिस्तान को जिस तरह रिएक्ट करा है दैट्स एक्सीलेंट, बट वॉट मोर, आगे क्या करेगा पाकिस्तान? देखें, हम फ्रॉम डे वन हमने बड़ा क्लियरली कहा है कि वी हैव नथिंग टू डू विद दिस, बट वी डू सपोर्ट द कश्मीरीज और उनकी आजादी के, अब हम पूरी तरह हर तरह से सपोर्ट करते हैं, लेकिन पाकिस्तान के खिलाफ कोई मैली आंख से देखेगा तो वी विल नॉट स्पेयर देम। वो इमरान खान ने अपनी पहली तकरीर में बहुत सादा अल्फाज में और सीधे साधे, उन्होंने कोई उसमें मोदी की तरह वो भड़के नहीं मारी, उन्होंने बड़े सादा अल्फाज में बता दिया था। और पाकिस्तान, अफवाज पाकिस्तान इस वक्त दुनिया में, अब आप, मैं उसको बताता इस तरह से हूं कि वो जो ग्रेट ब्रिटेन में चौथी साल फर्स्ट आ रही हैं, ये हमारे खून के जो हमने दिए हैं ना जी कुर्बानियां इस टेररिज्म को खात्मे करने में, पाकिस्तान इज वॉर टेस्टेड एंड बेस्ट आर्मी ऑफ द वर्ल्ड अल्हम्दुलिल्लाह, और हमें किसी किस्म का खतरा नहीं है इंडिया से, जो मर्जी उसने करना है वो अपनी ट्राई कर ले, लेकिन एक चीज मोदी याद रखे कि 130 बिलियन लोगों का नुमाइंदा हो के वो ये सुल्तान राय वाले डायलॉग ना बोले तो ज्यादा बेहतर है। बिल्कुल ठीक है सैर जी, बड़ी अच्छी इब्राहिम साहब ने बात की कि सुल्तान राही वाले डायलॉग ना बोले, ऑब्वियसली उनको ये डायलॉग सूट भी नहीं करते और ना उनको वो इस पर प्रैक्टिकली कुछ कर सकते हैं। थोड़ी सी सुल्तान राही की बात ही तो आगे चलते हैं, ये पॉलिटिकल जो सिचुएशन आजकल चल रही है असेंबली के अंदर, ऑपोजिशन गवर्नमेंट ऑपोजिशन सेशन नहीं हो पा रहे हैं, लॉ मेकिंग होनी थी वो अभी तक नहीं हो रही, इस पर क्या होगा जी, इस पर क्या होने जा रहा है, इसी तरह चलता रहेगा या कुछ होगा आगे? इस पे मंसूर, सबसे पहले मैं जो बात मुकम्मल नहीं कर सकी थी, जो मैंने मेंशन की कि ओआईसी के अंदर इंडियन जो है फॉरेन मिनिस्टर गेस्ट ऑफ ऑनर की हैसियत से आ रहे हैं, तो ये बड़ी तश्वीश की बात है। ठीक है, ये एक पॉइंट है, इट हैज टू बी नोटेड कि हमें कंसर्न है कि अगर फॉरेन पॉलिसी के अंदर, कहते पाकिस्तान ने इस पर कोई एतराज नहीं उठाया, क्या वी आर लूजिंग द स्पेस, या हमारा फॉरेन पॉलिसी शिफ्ट है, या इंडिया की डिप्लोमेटिक अचीवमेंट है, ये इसमें क्लैरिटी चाहिए। दूसरी चीज, जनरल परवेज मुशर्रफ ने एक इंटरव्यू के अंदर इसराइल से भी ताल्लुकात इस्तेवार करने की बात की, तो दैट ऑल्सो नीड्स अ क्लैरिटी। बाकी आपने जो बात की कि असेंबलीज के अंदर नहीं हो रही है कार्रवाई, इजलास नहीं चल रहे, तो इसकी मैं समझती हूं कि सबसे बड़ी जिम्मेदारी हुकूमत की होती है कि वो ये मुमकिन बनाए कि असेंबली की कार्रवाई पुर अमन तरीके से हो, ये सबसे बड़ी जिम्मेदारी हकूमत की है। और आई बिलीव कि ऑपोजिशन ने बड़े अच्छे जेस्टर्स दिए थे और हकूमत को ये कहा था कि आप जो काम भी मुल्क के मफाद में करेंगे, जो लेजिस्लेशन मुल्क के मफाद में करेंगे, हम आपके साथ खड़े होंगे। अगर आज इसके अंदर आपको कोई इबाम नजर आता है तो फिर अवामिल का जायजा लेना होगा। जैसे मैंने पहले कहा कि आला जरफी होती कि अगर आप ऑपोजिशन की लीडरशिप को भी बुलाते, आपने, और दूसरी एक मिनट, फिर जिस तरीके से सिंध के असेंबली के स्पीकर को गिरफ्तार किया गया, देखिए बात यह है कि जब हम बात करते हैं लेजिस्लेटिव असेंबलीज की, तो उनका इस्तेकाक, उनका जो सेंटिटी है, उनकी जो रिस्पेक्ट है, उसको बरकरार रखना भी हकूमत की जिम्मेदारी है। और उसके बाद जो उनकी फैमिली के साथ ट्रीटमेंट था उसको हर एक ने कंडेम किया, चाहे वो गवर्नमेंट में हो चाहे ऑपोजिशन में। मुझे एक बड़ी इंटरेस्टिंग सी सवाल, हर दफा जमहूरियत को क्यों खतरा हो जाता है, मुझे ये आप समझाएं कि क्यों खतरा और है, किस चीज का खतरा और है? देखिए जमहूरियत में अलीम खान पकड़ा गया तब नहीं जमहूरियत को खतरा हुआ, अब क्यों हो जाएगा? जमहूरियत में या गवर्नेंस में तीन चीजें होती हैं, एक तो आपको अथॉरिटी है, ओके,
एक आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, ठीक है, जहां पे आपको अथॉरिटी, जहां पे आपको रिस्पॉन्सिबिलिटी मिलती है उसके साथ आपको अथॉरिटी मिलती है, उसमें बहुत सारे रिसोर्सेज होते हैं जिनको आपने यूज करना है। और तीसरा फैक्टर जो बहुत अहम होता है सारे उसमें, वो अकाउंटेबिलिटी होती है। अकाउंटेबिलिटी, ठीक है भाई। देखिए, आपको हमने जिम्मेदारी दी, आपको इतने रिसोर्सेज दिए, आपने ये काम किया या नहीं किया, ये है अकाउंटेबिलिटी। आपसे पूछा जाएगा कि आपने उन रिसोर्सेज को कैसे इस्तेमाल किया, ठीक है, और जिन मकासद के लिए वो रिसोर्सेज आपको दिए गए थे वो मकासद हासिल हुए या नहीं हासिल हुए, ठीक है। तो जमहूरियत को खतरा तब पैदा होता है जब आपको रिस्पॉन्सिबिलिटी भी मिले, अथॉरिटी भी मिले, और आप अपनी जिम्मेदारी पूरी ना करें। बिल्कुल ठीक है। फिर आपकी अकाउंटेबिलिटी होगी, ठीक है, कोई भी हो, आई गॉट यू, उसमें जो भी पॉलिटिकल पार्टी इन पार होगी उसकी अकाउंटेबिलिटी होनी चाहिए। मौलाना साहब, आपके पास आने से एक मिनट पहले मैं इब्राहिम खान साहब से एक बात पूछ लूं। खान साहब, लाहौर हाई कोर्ट ने बड़ा कैटेगोरिकली कहा नैब पिक एंड चूज की पॉलिसी कर रही है और इसकी वजह से केसेस नहीं हो रहे, डोंट यू थिंक कि नैब को भी अपनी परफॉर्मेंस ठीक करनी चाहिए, नहीं गलत अरेस्ट करने चाहिए? अगर आपके पास एविडेंस नहीं है मुकम्मल तो आपको जाकर एकदम नहीं इस तरह की सिचुएशन क्रिएट करनी चाहिए जिसके बाद एट द एंड ऑफ द डे सारा ब्लेम गवर्नमेंट के ऊपर आ रहा है। जी, योर कॉमेंट वेरी शॉर्ट। गवर्नमेंट पे कोई इसका जो है जी वो मैं इल्जाम लेने के लिए हम तैयार नहीं है। नैब एक इंडिपेंडेंट इदारा है, इसको बनाने में, इसको स्ट्रेंथन करने में पीपल्स पार्टी ने 5 साल आए, फिर उसके बाद नून लीग आई, चले पीपल्स पार्टी को थोड़ा सा इसमें रिलीफ देते हैं कि जी इनके पास 2/3 नहीं थी मेजोरिटी, आपकी नून लीग के पास 2/3 मेजोरिटी थी, ये क्यों नहीं कानून ऐसे बनाए इन्होंने जिसमें कि नैब अपने लिमिट्स के अंदर रह के काम करे। बात यह है कि एक इंडिपेंडेंट इदारा है और वो अपना काम कर रहा है, हम तो इदारों को मजबूत करने की बात कर रहे हैं, लेकिन अगर इनको कोई शिकायत हैं तो ये हमारे साथ मिलके आए बैठे, नैब में अगर कोई बेहतरी लाने के बातें हैं तो हमारे डोर्स और हमारे जो है ओपन हार्ट और एन ओपन माइंड के साथ हम इनके साथ बैठ के उसमें बेहतरी लाने के लिए तैयार हैं। लेकिन मैं एक बात कहूंगा कि पाकिस्तान में अपोजिशन ने अभी तक जो किरदार अदा किया है वो सिर्फ 2 खानदानों को प्रोटेक्ट करने की कोशिश की गई है। पाकिस्तान 22 करोड़ लोगों का पाकिस्तान है, ये जरदारीज का और शरीफों का पाकिस्तान नहीं। सॉरी, आई एम गोइंग आउट। जी जी, प्लीज कंप्लीट करें। मैंने कहा जी पाकिस्तान जो है वो सिर्फ जरदारियों और शरीफों का पाकिस्तान नहीं है, 22 करोड़ अवाम का पाकिस्तान है। इसमें जो हदूद से बाहर निकलेगा, जो हदूद से बाहर निकलेगा उस पर आप डाला जाएगा। डेमोक्रेसी को कोई खतरा जैन साहब को तो नहीं लग रहा, आपको कोई लग रहा है? मैं समझता हूं कि जमहूरियत जो है वो अफराद का नाम नहीं है, वो कौम के उस वोट का नाम है जो कौम देती है, ठीक है। अब उसका एहतराम रखना अपोजिशन की भी जिम्मेदारी है, हुकूमत की भी जिम्मेदारी है, और दोनों को मिलकर सोचना चाहिए कि हम खड़े कहां पर हैं, और एहतसाब बिल्कुल सबका होना चाहिए, बिला इम्तियाज होना चाहिए। जिस तरह अलीम खान पकड़ा गया, हुकूमत के हाथ से पकड़ा गया, उधर से भी, तो जो करप्शन करता है वो कोई भी है, अगर आप कहते हैं हमने मदीना मुनव्वरा की तरह की रियासत बनानी है तो उमर बिन खत्ताब से सवाल हो सकता है, तो फिर जरदारी साहब से भी हो सकता है, इमरान खान साहब से भी हो सकता है, और नवाज शरीफ साहब से भी हो सकता है। हम अपने आप को जब हम इक्तदार में आना चाहते हैं, जलसे करते हैं, तो हम क्या कहते हैं कि हम पाकिस्तान में निजाम वो लाना चाहते हैं जहां पूछा जा सके, और जब इक्तदार में आ जाते हैं और उसके बाद फिर आपका एहतसाब शुरू हो तो आप कहते हैं जमहूरियत, जमहूरियत को कोई खतरा नहीं है, खतरा नहीं है, जमहूरियत इंशाअल्लाह चलेगी, वोट को वाकई ताकत देने की जरूरत है। पॉइंट आगे आपका, मौलाना ताहिर अशरफ साहब थैंक यू वेरी मच, लेफ्टिनेंट जनरल अशरफ सलीम साहब थैंक यू वेरी मच, इस्लामाबाद में हमें ज्वाइन किया था इब्राहिम खान साहब ने, थैंक यू वेरी मच जी, सहर कामरान ने हमें ज्वाइन किया था, आई एम वेरी ग्रेटफुल टू यू ऑल। एट द एंड ऑफ द डे व्यूअर्स, आज पाकिस्तान दोबारा एक ऐसी सिचुएशन पे है कि पाकिस्तान को साथ लेकर चलना है, तमाम पॉलिटिकल पार्टीज का एक पेज पर होना बहुत जरूरी है। हम लोग सिविल मिलिट्री रिलेशनशिप की बात करते हैं, बिल्कुल एक पेज पर है, लेकिन हर एक इंडिविजुअल का पाकिस्तान के लिए प्रायोरिटी रखना सबसे अहम चीज है इस वक्त, जिसकी पाकिस्तान को जरूरत है। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग पाकिस्तान टुडे, यू कैन फॉलो अस ऑन फेसबुक एंड ट्विटर। मुझे मंसूर आजम काजी को इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफिज़।